विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2 साल के अंतराल के बाद शुरू हो चुका है। कांवड़िया पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव का दर्शन करने पैदल चल पड़े हैं। इस दौरान कांवड़िया के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कई संतान अपने माँ बाप को भगवान शिव का दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। वहीं एक कई शिव भक्त ऐसे भी हैं जो तमाम तरह की कठिनाइयों के बावजूद भी पैदल ही बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने निकल पड़े हैं। राजू कुमार ऐसा ही शिव भक्तों में से एक है। राजू दोनों पैर से दिव्यांग है, इसके बावजूद भी भगवान शिव के प्रति उनके मन में ऐसी आस्था है कि वह महादेव का दर्शन करने पैदल ही निकल पड़े हैं। बता दें कि इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और कांवड़िया पथ पर कांवड़ियों के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई बहुत आराम से कांवड़ यात्रा कर बाबा के दरबार पहुँच कर जल अर्पण कर रहे हैं, तो कई ऐसे भी कांवड़िया हैं जो तमाम कष्ट के बावजूद भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पिछले कई वर्षों से जल अर्पण के लिए निकल रहे हैं। ऐसा ही एक दिव्यांग कांवड़िया है जो सामान्य कांवड़िया से अलग अपनी धुन में बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। वहीं पटना के एक राजू बम है, वह दोनों पैर से दिव्यांग हैं। वह पूरे मार्ग पर घसीटते हुए काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राजू दोनों पैर से पोलियोग्रस्त है, इसके बावजूद भी पिछले कई वर्षों से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने जाते हैं। वह अपने दोनों पैर से दिव्यांग रहने के बावजूद भी अपने माता पिता को हमेशा खुश रखने के मन्नत को लेकर सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा देवघर तक अपने दोनों हाथों के सहारे बोलबम जाते हैं। वह करीब 10 दिनों में अपनी यात्रा पूरा करते हैं। वहीं राजू कुमार ने बताया कि मैं अपने माता पिता की खुशी के लिए दोनों पैर से दिव्यांग रहने के बावजूद भी 2 सालों से हाथों के सहारे चलकर बाबा धाम जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कि बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं और एक नई ऊर्जा मिलती है। अभी चला नहीं है, इसलिए सतर्क रही, लोगों से दूरी बनाए रखने का प्रयास करें, हमेशा अपने हाथों को धोते रहें। जगह जगह पर जिला प्रशासन मुंगेर के द्वारा तो आपके स्वास्थ्य की देखभाल है, चिकित्सा आपके सारे दूसरे काम करेंगे। आप अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, जिला प्रशासन। पटना जिला, क्या नाम हुआ? सिंह राजकुमार। आपका दोनों पैर बिल्कुल भी विकलांग है, आप दोनों पैर से, उसके बावजूद भी आप बाबा धाम जा रहे हैं, क्या मनसा थी या क्या मन्नत पूरी हुई जिसके वजह से आप जा रहे हैं? बस मेरी यही मनसा है कि मेरे माँ बाप खुश रहे। अच्छा, और बस आनंद मिलता है बाबा धाम जाने से। कोई मन्नत भी थी क्या? नहीं है, ऐसे ही बाबा धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं। नाम बताइए अपना। हर साल जा रहे हैं? कितने वर्षों से लगभग जा रहे हैं? 2 वर्ष से पैदल जा रहे हैं। 2 वर्ष से? ऐसे पहले किसे जाते थे? बस से जाते थे। या प्रेरणा आपको कहाँ से मिले? बस आत्मा की याद। अपना नाम बताइए। सिंह राजकुमार।